अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप वो डिज़ाइन ट्राई कर सकें। तो आज मैं आपके साथ स्लीव टिच बटन वाले स्लीव जो है वो शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैंने ये बाजू जो है यहाँ पर मैं लंबाई में इसके मैं 4.5 पे निशान लगा रही हूँ। एक निशान आप यहाँ पे 4.5 पे लगाएंगी और चौड़ाई का जो निशान है वो आप 5.5, आप 5 भी लगा सकती हैं क्योंकि मुझे 5.5 चाहिए, इसलिए मैं 5.5 पे लगा रही हूँ। नॉर्मल जो है आप 5 भी पहन सकती हैं। तो निशान लगाकर आप यहाँ पर इसको पहले सिलाई कर लेंगी बाजू को। तो मैं यहाँ पे पहले इसको सिलाई लगा लूँगी। अब हम यहां से जो है ये आगे वाला जो हिस्सा है इसको हम फोल्ड कर लेंगे बाजू के आगे कलाई वाला। इस तरीके से पहले मैं आगे सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी जो हमने चौड़ाई लेनी है वो हमने उसका निशान लगाना है। तो मैंने आगे से इसको सिलाई लगा के इसको बराबर कर लिया। तो ये सेम आया, ये हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है और जो पीछे वाला हिस्सा वो बैक है, ठीक है। तो जो हमने फ्रंट वाला हिस्सा है वो हमें जो तैयार चाहिए वो हमें 5 इंच चाहिए, ठीक है। लेकिन हम फ्रंट वाले हिस्से को 2.5 से 2 जो है वो कम पे निशान लगाएंगे। ऐसे 4.5 पे मैं निशान लगा रही हूँ और जो बैक साइड का हिस्सा है उस पर हम 2 जो है वो बढ़ाकर लगाएंगे, यानी कि 5 से 2 ऊपर, इस तरीके से। तो ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों लिए। जो फ्रंट आगे वाला हिस्सा है वो हमने 2 कम पे लगाया है और जो पीछे वाला हिस्सा है हमने 2 बढ़ा के लगाया है निशान, ठीक है। तो ये देखें, मैं हम पहले ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो हम बिल्कुल फुल नीचे सिलाई तक निशान जहाँ तक हमने सिलाई बंद की थी यहाँ तक हम इसको बड़े टांके के साथ स्टिच कर लेंगे। बाद में हम इसको तुरपाई कर लेंगे और ये सिलाई खोल देंगे। तो पहले मैं ये फ्रंट वाले हिस्से को स्टिच कर लेती हूँ। आपने अगर पीछे बाजू का ख्याल रखना है कटिंग में पता चल जाता है। और जो अब ये बैक वाला है ना, बैक वाला हमने जो 2 ऊपर से ज़्यादा लिया था, नीचे भी हम 2 ज़्यादा ही लेंगे, ठीक है। हमने फुल सिलाई तक इसको बंद नहीं करना। तो ये मैं फिर बताती हूँ आपको। ये फिर इजीली जो है टिच बटन जब लगता है तो इजीली ये बैठ जाता है, इसमें कोई जोल वगैरह नहीं आता, इस तरीके से। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है। अब मैं इसको तरपाई कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पे जो ये हमने ज़्यादा लिया था, ये जब हम टिच बटन बंद करेंगे तो ये इजीली मुड़ जाएगा अंदर वाली साइड पे। तो यहाँ पे पहले हम इसको तरपाई कर लेते हैं। मैंने सुई में धागा डाली है, सिंगल धागा मैंने डाला है और यहाँ से मैं इसको सिलाई करना शुरू करूँगी। नीचे वाले जो कपड़े का जो हिस्सा है वो आपने थोड़ा लेना है और ऊपर वाला हिस्सा आप ज़्यादा ले सकती हैं, लेकिन टांका आपने नीचे से छोटा उठाना है ताकि नीचे से सफाई के साथ आए और नज़र भी ना आए। तो ये देखें, मैं ये तुरपाई करके आपको फिर मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने ये सफाई के साथ तुरपाई की है, बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रही। ये मैं एक साइड कंप्लीट करके दोबारा मैं दूसरी साइड जो है वीडियो के बगैर मैं इसको स्टिच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। साथ साथ आपने पीछे से टांके को भी ऐसे खींचते रहना ताकि झोल ना आए दरमियान में, और यहाँ पे इसको पक्का कर लें। और दूसरी साइड जो है वो मैं तरपाई करके फिर बैक आती हूँ। तो ये देखें, मैंने ये दोनों साइड जो है ये मैंने तरपाई कर ली है और जो इसकी सिलाई है वो अब मैं खोल रही हूँ, आगे वाली साइड भी और पीछे वाली साइड भी।
मैंने दोनों खोल दिए हैं और ये इस तरीके से ये रेडी हुआ है। इसको मैं सीधा कर लेती हूँ, तो ये देखिए आप, इस तरीके से ये तैयार हुआ है। ये जो बैक वाला साइड है वो अंदर की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा, इस तरह टिच बटन लगेगा ऐसे, तो ये यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, बिल्कुल इसमें खिंचाव वगैरह नहीं आएगा ऐसे। तो यहाँ पे जो है हम टिच बटन लगाते हैं, तो ये मैंने टिच बटन लिया, तो ये मैंने टिच बटन ले लिए। अब इस टिच बटन की जो ये छोटा वाला जो हिस्सा है वो हम फ्रंट साइड पे लगाएंगे, ये वाला फ्रंट साइड पे लगाएंगे, और जो मोटे वाला हिस्सा है वो हम बैक पे लगाएंगे। तो इसको अब हम स्टिच करते हैं। इस तरीके से मैं इसको पहले फ्रंट वाला जो है इसको मैं पक्का कर लेती हूँ, टांका डबल डबल मैं टांका लगा के इसको पक्का कर रही हूँ। अब हम बैक वाला लगा लेते हैं। इसको हम अटैच करके तो फिर हम इसको प्रेस करके तो बिल्कुल नीट कर लेते हैं, तो आप देखिएगा कि कितना सफाई के साथ हमारा ये बाजू है ये जो रेडी हुआ है, बिल्कुल इसमें खिंचाव और झोल नहीं आया। तो इसी तरीके से आप इसको आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ये इस तरीके से ऐसे बंद होगा और आप ये देखें ये इस तरीके से ये हमारा रेडी हुआ है। तो अब हम इसको प्रेस करके मैं आपको दिखाती हूँ, टिच बटन बाजू जो है हमारा रेडी हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। ये तुरपाई देखें कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, इस तरीके से ये खुला है और ये तुरपाई करके मैंने इसको नीट किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये इजीली समझ आ गई होगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।